न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। फर्जी असलाह लाइसेंस मामले में मास्टर माइंड गोपी और विकास तिवारी चढ़े पुलिस के हत्थे। बरामद हुआ फर्जी लाइसेंस और असलाह एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने किया खुलासा। 2 से 30 सितंबर तक संचालित होने वाले दस्तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 29 अगस्त से 5 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस महा अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य महानिदेशक ने की समीक्षा। अभियान की सफलता के लिए दिए टिप्स, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बच्चा चोरी होने के अफवाह से गोरखपुर पुलिस है परेशान। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे पब्लिक, सूचना देकर पुलिस की करें मदद। आयकर दाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए विभाग चला रहा है जन जागरूकता अभियान। प्रधान आयकर आयुक्त नित्यानंद ठाकुर ने कहा सभी पैन कार्ड धारक करें आयकर रिटर्न दाखिल, नहीं होगी कोई दिक्कत। संदिग्ध परिस्थितियों में जीआरपी सिपाही का शव मिला नाले में। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी स्थिति स्पष्ट। भैंस चोरी कर पिकअप गाड़ी पर लाद रहे चोरों को ग्रामीणों ने दौड़ा कर दबोचा, जमकर की धुनाई, किया पुलिस के हवाले। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा मुकदमा दर्ज की जाएगी विधिक कार्रवाई। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती साप्ताहिक समारोह के अवसर पर आयोजित हुआ व्याख्यान में वक्ताओं ने नाथ पंथ श्री गोरक्षपीठ और सामाजिक समरसता विषय पर रखे अपने विचार, कहा सामाजिक समरसता से ही हो सकेगी नए समाज की स्थापना। मालगाड़ी की दो वैगन के पटरी से उतरने से मची अफरा तफरी। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा ट्रेन के संचालन पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी ने कहा न्यायालय के आदेश के बाद अब नहीं बजेगा डीजे, अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने के लिए लेना होगा परमिशन, आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त को बेली पार्क पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा आरोपी के विरुद्ध की जा रही है विधिक कार्रवाई। बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया के छात्रों ने सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर कुलपति को सौंपा ज्ञापन, जताया विरोध। कुलपति ने दिया समस्या का जल्द हल करने का आश्वासन। वेतन विसंगतियों एवं प्रमोशन सहित अवर अभियंताओं के तबादलों के विरोध में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के जिला इकाई के सदस्यों ने किया 3 दिवसीय धरना शुरू, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो 5 सितंबर को शक्ति भवन पर करेंगे प्रदर्शन। और भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने महिलाओं को किया जागरूक।